नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन स्टार पर। मैं मनोज सर, आज हम करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक कारक। इससे पहले हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि पहले की वीडियो में कर लिए हैं, तो आज हम कारक को करने जा रहे हैं। कारक क्या होता है? वैसे कोई भी विद्यार्थी है अपने बचपन से छोटी छोटी क्लासों में इस कारक को पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो थोड़ा सा उस समय तो हमें सिर्फ इतना ध्यान नहीं होता, सिर्फ हम पढ़ के आ जाते हैं कारक ये होता है। कारक को थोड़ा सा हम पढ़े ध्यान से, डीपली से, इसका वास्तविक में और क्या क्या अर्थ इसमें, कहाँ कहाँ ये प्रयोग किया जाता है और है क्या, कहाँ इसकी पहचान हम इसकी कर सकते हैं। तो कारक क्या है? कारक का शाब्दिक अर्थ है क्रिया को करने वाला, यानी जो क्रिया को करता है, ठीक है, क्रिया के होने में कोई ना कोई भूमिका निभाता है, वो कारक होता है। तो क्रिया क्या होती है? क्रिया हम सभी को पता है, जिसे किसी काम के करने होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। बस क्रिया और कर्ता के बीच में जो संबंध बताया जाता है, उसकी जो भूमिका निभाता है वही कारक है। पहले मैं आपको आसान तरीके से बता दूं कि दो चीज़ें हमें देखनी है वाक्य में, एक देखनी है कर्ता और दूसरी देखनी है क्रिया। इन दोनों के बीच में जितने शब्द प्रयोग होते हैं, चाहे वो कर्म हो, ठीक है, पूरक हो, कर्म पूरक हो, विशेषण हो, इनके बीच में संबंध का जो आधार होता है, इनको जो आपस में जोड़ते हैं, इनकी जो अपने अपने भी कौन क्रिया कर रहा है, किसके आधार पर की जाए, किसके लिए की जा रही है, वो कारक बताता है। तो यही है कारक का शाब्दिक अर्थ, क्रिया को करने वाला। तो क्या है? दूसरे शब्दों में क्रिया को पूरी करने में, जो मैंने अभी बताया कि क्रिया को पूरी करने में किसी न किसी भूमिका को निभाने वाला कारक कहलाता है। ये क्रिया और कर्ता दो चीज़ें मेन है इसमें। अब क्रिया किस तरह पूरी हो रही है, उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो हमारा कारक कहलाता है। तो इसके लिए हम थोड़ा इसका उदाहरण दें। जैसे शिकारी ने कबूतरों का शिकार करने के लिए जाल बिछाया, शिकारी ने कबूतरों का शिकार, अब हमें जाल बिछाया, हमारी क्या हो गई? क्रिया हो गई। शिकारी हमारा क्या हो गया? कर्ता हो गया, ठीक है। अब बीच में कैसे, अब देखो किसने जाल बिछाया, अगर बाजार बिछाया देखिए भाई किसने, ऐसा शिकारी ने, ठीक है, शिकारी ने, तो यह अलग हो गया, ने प्रयोग हुआ इसके साथ। फिर क्या है, किसका, ये शिकार किसका शिकार कर रहा है, वो कबूतरों का, ठीक है, कबूतरों का, अब काफिर है। फिर उसने कहा किस लिए, शिकार करने के लिए, शिकार करने के लिए। अब देखो करने के लिए का ने, ये क्या प्रयोग हुए हैं, इन्हीं को कारक कहा जाता है। वैसे इनको परसरक बोला जाता है, परसरक, इन सभी शब्दों को जो कहा है ने, इसको हिंदी के व्याकरण परसरक बोलते हैं। अब आधार क्या हुआ, शिकारी ने, ठीक है, ये तो क्या करता, करता है, ने का प्रयोग हो गया, कबूतरों का कर्म के लिए प्रयोग हो गया, शिकार करने के लिए, ये संप्रदान के लिए प्रयोग हो गया। यानी ये चीज़ जो आधार बता रहा है इस क्रिया को पूरी करने के लिए जो भूमिका निभा रहा है, उन्हीं को हम कारक कहते हैं। तो कारक की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। एक बार पर फिर मैं रिपीट करता हूँ, कारक क्या भूमिका निभाता है कर्ता और क्रिया के बीच में, क्रिया को पूरी करने के लिए। हमने वाक्य देखा कि क्रिया इसमें जाल बिछाया है, अब इन चीज़ों के साथ जो परस्पर के जुड़े हुए हैं, ये कारक हैं, ये क्रिया को पूरी होने में उसकी अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह हमने इसको देखा, भी कारक का उदाहरण हमने पढ़ लिया, कारक होता है क्या जान लिया। अब हम कार्य के भेदों की बात करते हैं। कार्य के कुल 8 भेद हैं, कई जगह 6 महत्वपूर्ण जाते हैं, 2 अधिकरण और संबोधन को अलग से दे दिया जाता है, लेकिन 8 ही भेद मानते हैं, 8 ही भेद है कार्य के। तो पहला कौन सा है, कर्ता, कौन सा किसका भेद, पहला कौन सा, कर्ता कारक, कौन सा है, कर्ता कारक। कर्ता क्या होता है, क्रिया को करने वाला, बस इसकी परिभाषा भी यही हो जाएगी। इस संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध हो, ये मैंने लिख दिया शॉर्टकट में, कि क्रिया को करने वाला कौन होता है, कर्ता होता है, जिसने क्रिया की। अब ये हमें वाक्य पढ़ रहे हैं, जो हमने इसका उदाहरण लिया, इसमें क्रिया किसने की, शिकारी ने की, तो शिकारी इसमें क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, शिकारी इसमें क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, मैंने लिख भी रखा है यहाँ पर कर्ता। और उदाहरण इसके लेते, जैसे बालक खेलता है, बालक खेलता है, तो कौन खेलता है, बालक खेल रहा है, बालक क्या है, इसका कर्ता है। तो कर्ता हम आसानी से इसको पहचान सकते हैं, जिस जो कार्य को कर रहा है, ठीक है। तो इसको और एक आधा उदाहरण और हम देखते हैं, जैसे वह दौड़ रहा है, यहाँ सर्वनाम का प्रयोग किया हमने, वह दौड़ रहा है, तो वह क्या है,
करता है, दौड़ने वाला कौन है, वह है, तो वह हमारा क्या हो गया, करता हो गया। तो ये कौन सा हो गया हमारा, कर्ता कारक है जो क्रिया को करता है। तो पहला हमारा कारक था, तो कारक था कर्ता कारक, कर्ता या क्रिया को करने वाला, जो क्रिया को करता है वो कर्ता कारक होता है, पहचानना बिल्कुल आसान है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं हमारा दूसरा भेद, दूसरे भेद में क्या आता है, कर्म कारक। ठीक है, कर्म कारक में क्या होता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। ठीक है, यानी कई जगह देखो तो व्यापार का प्रभाव पड़े, ये भी लिखा मिल सकता है आपको। सीधी सी बात है, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े वो हमारा कर्म कारक होता है। तो इसका जो हम पर्स रख कोई प्रयोग करते हैं, जैसे हमने कर्ता का ने प्रयोग करते हैं, जब कर्ता साथ ने लग जाएगा तो कर्म के साथ को अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पर को या का के की जो भी है, तो यहाँ पर काश कबूतरों का, तो कबूतर यहाँ पर क्या थे, कर्म थे। ठीक है, तो का इनके लिए प्रयोग है, तो आगे इसको पूरा करने के लिए जैसे एक हम उदाहरण देखते हैं, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। अब इसी वाक्य में पहले लिखे राम ने, जैसे कोई और उदाहरण, जैसे राम खेलता है, इसी को हम उदाहरण ले लेते हैं, इसमें बनेगा नहीं, राम खेलता है। तो हम क्रिया देखते हैं, खेलता है किस पर निर्भर है, कौन खेलता है, राम खेलता है, सीधा प्रश्न में तो करता हो गया। यहाँ जो क्रिया है मारा, किसको मारा, रावण को मारा, तो क्रिया का प्रभाव है वो किस पे पड़ रहा है, हमारा रावण पे पड़ रहा है, राम पे नहीं पड़ रहा। तो यार राम क्या है, करता है, रावण क्या है, कर्म है। तो क्रिया किसके अकॉर्डिंग हो रही है, हमारे किसके अनुसार हो रही है, रावण के अनुसार हो रही है। तो ये क्रिया का व्यापार जो है इस पर कर्म पर पड़ रहा है, यहाँ पर कर्म कारक होगा। ठीक है, कर्म कारक का उदाहरण यही है, जैसे नौकर को बुला लो। ठीक है, नौकर को बुला लो। अब देखो इसमें बुला लो, किसको बुला लो, नौकर को। क्रिया किस पर, हमारे आदमी इस पे नौकर पे, नौकर क्या, कर्म है। अब इस वाक्य में देखिए तो इसमें कर्ता नहीं है, कई बार कई वाक्यों में कर्ता का लोप हो जाता है। अब ये भी हो सकता है, माँ ने कहा नौकर को बुला लो, ठीक है मैं कह रहा हूँ, तो उसमें आगे अलग बात आ जाती है, कर्ता इसमें कर्ता का लोप है। तो नौकर को बुला लो, तो कोपर से लगा है तो कर्म ही है। तुम्हें कर्म कहाँ देखना है, क्रिया किस पे आश्रित है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, ये वाक्य हम देखते हैं, अब पढ़ी किस पे आश्रित है, पुस्तक पे, कौन सा है, कर्म कारक हो गया। तो राम तो अलग हो गया, अगर सीधा होता तो राम पढ़ता है, फिर हमारा क्या होता है, कर्ता होता, कर्ता है। अब ये पुस्तक पे पढ़ी, राम तो आप जा रहे हैं कि पुलिंग में है, तो यहाँ क्रिया किसमें स्त्रीलिंग है, किसके अनुसार, पुस्तक के अनुसार है, क्रिया किसके अनुसार, पुस्तक के अनुसार है। तो ये कौन सा हो जाए हमारा, कर्म कारक, ये आपको समझा रहा था। इसमें मुख्य रूप से जो व्यक्ति है वो को होती है। ठीक है, तो हमने कर्ता पढ़ लिया और दूसरा हमने कर्म पढ़ लिया, तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं वो करण कारक। करण कारक कौन सा होता है, जिस साधन का बोध हो, यानी जिस कारक से, अब इसकी परिभाषा करें, जिस कारक से साधन का बोध हो, किससे किसके साधन के द्वारा क्रिया की जा रही है, वहां पर करण कारक होता है। तो इसकी परिभाषा, जिस कारक से में क्रिया के होने वाले साधन का बोध हो, क्या होती है हमारी, करण कारक हो जाएगा। जैसे मैंने कलम से पत्र लिखा, मैंने कलम से पत्र लिखा। अब देखो, से यानी पत्र लिखना, मैंने लिखा, किससे लिखा, कलम से लिखा। तो कलम क्या है, साधन का बोध करा रहा है, कलम क्या है, साधन का बोध करा रहा है। तो करण कार्य में क्या होगा, साधन का बोध होगा। ठीक है, जैसे खिलाड़ी बैट से खेल रहा है, तो खेल तो किस रहा, बैट से खेल, बैट क्या हो जाएगा, उसका साधन हो जाएगा, बल्ला कह दिए, बैट कह दिया, अलग बात है। देखिए, मैंने पेंसिल से चित्र लिखा, ठीक है, पेंसिल से चित्र बनाया, लिखा जो भी है, तो बनाया भी हो सकता है। तो मैंने पेंसिल चित्र बनाया, चित्र किससे बनाया, पेंसिल किसका बोध करवा रही है, साधन का बोध करा रही है। ठीक है, अब अगली बार हमारा जो कारक है वह है संप्रदान। संप्रदान में क्या, जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए वो कौन सा होता है, संप्रदान कारक होता है। जिसका हमारा क्या होगा, संबंध का हमारे से है भाई, तो इसके परसर्ग करण का, और संप्रदान के लिए कौन है, के लिए, संप्रदान क्या आएगा, के लिए। जब से मैंने ऊपर उदाहरण दिया है, शिकार करने के लिए जाल बिछाया, क्या है,
कबूतरों का शिकार करने के लिए केलीज का जहाँ बोध होता है वहाँ पर हमारा संप्रदान कारक होता है। जैसे भगत सिंह ने देश के लिए अपना बलिदान दिया, ठीक है। अब किसके लिए? देश के लिए यानी जिसके लिए क्रिया की जाए। बलिदान किसके लिए दिया? देश के लिए दिया। तो इसमें हम के लिए जहाँ पर आ जाए वहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। तो संप्रदान कारक हमने पढ़ लिया, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए। अब अपादान में आता है, अपादान में क्या होगा? इसका भी से ही होता है भाई, क्या होता है? से। लेकिन इसमें से के साथ क्या आएगा? अलगाव का बोध होगा। क्या होगा? अलगाव का बोध होगा। तो जिस कारक में अलगाव का बोध हो, किसका हो? अब इसमें एक चीज़ और याद रखनी आपको, अलग होना जहाँ पर होगा, अलग होना, डरना, ये सब अच्छी तरह से याद करना है भाई। एक बार एस्टेट के पेपर में भी आया था डरना। चार ऑप्शन दे दिए थे भी, उसमें हमें अपादान कारक का उदाहरण देखना था, तो उसमें एक डरने वाला आया था। सब वहाँ बहुतों ने गलतियाँ कर दी थी कि डरने वाले को निशान नहीं लगाया, वहाँ से दिया था, से ये दे रखे थे दोनों तीनों, एक में सिर्फ डरने का शब्द दिया हुआ था, तो वहाँ गलती हो गई थी। से के तो से दोनों में आते हैं, ये से आएगा अलगाव का बोध होना। तो इसमें अलग होना, डरना, उत्पन्न होना, ये एक याद रखना है, उत्पन्न होना, ठीक है। तीन चीज़ के साथ और आएगी, अलग होना तो आ गया, डरना और उत्पन्न होना दो और जुड़ेंगे इस अपादान कारक में। तो इसके हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो क्या है? हिमालय से क्या अलग हो रही है, अलग होने का बोध होता है। और जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, वृक्ष से अलग होना, पत्तों का अलग होना। और जैसे एक उदाहरण आ जाएगा, इसमें क्या है? बहू अपनी सास से लजाती है, लजाना यानी डरना, डर के लजा रही है, वो भी डरने का भाव आ जाएगा, ठीक है। और है इसमें छात्र अध्यापक से डरते हैं, ये भी आ जाएगा इसमें। तो अलग होना जहाँ भाव आ जाए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वह दिल्ली से लौट आया, इन दिल्ली से अलग हो गया, दिल्ली से लौट आया, जहाँ पर अलग होने का भाव आ जाए, उससे का भाव अलग अलगाव में हो, वहाँ पर हमारा अपादान कारक हो जाएगा। तो हमने पांच हमारे कारक पढ़ लिए हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। अब हमारा था संबंध, संबंध में क्या आएगा? का, के, की, ठीक है, ये इसकी विभक्तियाँ होती है। तो इसका हम उदाहरण देखें, जैसे रमेश का भाई आया है, तो यहाँ जो का है वो भाई के साथ संबंध बता रहा है। और उदाहरण देखिए, जैसे लड़के का माथा दुख रहा है, अब लड़के का और माथे का संबंध है, ठीक है, दुख रहा है, ठीक है। तो जहाँ पर का आए और संबंध का बोध कराए, वो कौन सा होगा? हमारा संबंध कारक होगा। संबंध के बाद में आता है हमारा अधिकरण। अधिकरण में क्या आता है? मैं पे पर हम इकट्ठा बोलते हैं, मैं और पर, यानी जिससे क्रिया के आधार का पता चले, कर्ता सत क्रिया के आधार का पता चले। जैसे छत के ऊपर भी आए इसमें, मैं पे पर छत के ऊपर मत जाओ, ठीक है। तो छत के ऊपर, छत का आधार है, छत क्या हमारा आधार है कार्य करने का, तो छत के ऊपर मत जाओ, तो ऊपर से मत जाए, वहाँ पर क्या अनुसार हो जाएगा? हमारा अधिकरण कारक हो जाएगा। और इसको ध्यान देखिए, जैसे इस कोठरी में मत जाओ या जाओ सब हो सकता है, यानी अंदर, में पेपर, में शब्द आ जाएगा, ठीक है। ये में भी अधिकरण की ही विभक्ति है। और जैसे गाड़ी में चढ़ जाओ, ठीक है, घर वह घर के
वह घर में, वह कमरे के अंदर जा रहा, तो यानी जहाँ पर आधार का बोध हो, जैसे हम कह दें जो पुस्तक पुस्तक मेज पर पड़ी है, तो उसका भी आधार क्या हो गया, मेज उसका आधार हो गया, उसके ऊपर वो पुस्तक पड़ी है, तो हमारा कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। तो लास्ट में हमारा आता है संबोधन कारक, बिल्कुल आसान है, जिसमें संज्ञा को पुकारा जाए, इसमें क्या आता है, हे, ठीक है, अरे, ठीक है, ऐसे जिसमें पुकारने की भावना हो वहाँ पर हमारा संबोधन कारक हो जाएगा। जैसे अरे बेटा तुम कहाँ चले गए, उदाहरण लेकर लिख भी दें, अरे बेटा तुम कहाँ चले गए, तुम कहाँ चले गए, ठीक है, तो अरे क्या है, पुकारने का भाव है, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। तो ये हमारे आठ कारक थे, कारक और कारक के आठ भेद, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। हम इसको ऐसे भी याद करते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध काके की, अधिकरण में पेपर और संबोधन हे अरे, ऐसे भी इसकी भक्तियों को याद किया जा सकता है। तो कारक में आज इतना ही, कारक के भेद हमने इस वीडियो में पढ़े हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ, अन्य व्याकरण के टॉपिक के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही।